यार ये कितनी प्यारी लग रही है ना, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। ये कितने की है? ये 100 रुपए की है यार, सही है रेट तो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द फनियारे। सो आज का व्लॉग रहने वाला है शॉपिंग डे 2। ओके, क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ ऑलमोस्ट अपने सभी शॉपिंग के जितने भी मैंने ऑर्डर किए थे वो सभी अनबॉक्स करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ और वैशाली का कॉल आया है कि वैशाली को कुछ सामान लेना है अभी बाहर से। मतलब दिवाली की शॉपिंग ऐसी होती है ना, दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है कि क्या बताऊँ, शॉपिंग ही शॉपिंग। मतलब एक न्यू वाइब आती है, सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट। सो हर कोई घर के सजावट के सामान लेता है। तो मैंने वैशाली को बोला कि प्लीज़ मेरे लिए बस 15 से 20 मिनट रुके, क्योंकि मैं व्लॉग की स्टार्टिंग तो कर लूँगी लेकिन मुझे उनको चेक करना है कि भाई उसका क्या साइज़ है, कैसे मतलब जो भी प्रोडक्ट मैंने रिसीव किए हैं वो क्या क्या हैं। सो लेट्स सी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा बहुत बजट देख कर ही किया है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स हैं, बट ठीक ठीक है, यू नो एवरेज आइटम्स है जो कि मैंने दिवाली के लिए आउटफिट्स के लिए मंगाया, मतलब डेज़ के ऊपर मैंने मंगाया, जैसे day 1, day 2, day 3 करके। सो आई शो यू गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे ऑलमोस्ट पैकेजेस आ चुके हैं, ज्वेलरी आ चुकी है और मेरा काम भी अभी यहीं पर ही पड़ा हुआ था। यहाँ पर लैपटॉप वगैरह रखा है, फ़ोन वगैरह है अभी तक, तो इसको उठाना था, अभी उठाऊंगी इसको भी, इसलिए मैंने साइड में कर दिया। सो चलो अब मैं शुरू करने वाली हूँ। मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले मिंत्रा के आउटफिट से, ठीक है। मैं मिंत्रा का आउटफिट ओपन करने वाली हूँ जो कि है शायद ये एक जीन्स है, अभी मैं देखती हूँ कि इसमें क्या निकलने वाला है। ओके, सो इसमें है मेरी वाइट जीन्स, जो प्रिंटेड प्राइस है वो है 1900 का, लेकिन ये 1900 की है नहीं, जो कि सेल चल रही है अभी, दिवाली की सेल है, तो उसमें मेरे को आई गेस ये 800-900 के बीच में ही पड़ गई थी। उसी के साथ में मेरे पास है दूसरा पैकेज भी मिंत्रा से, ये भी 2000 की नहीं है, ये भी सेल में मुझे मिली है ऑलमोस्ट 800-900 के बीच में, ठीक है। सो ये दोनों जीन्स जो है दोनों ही 800-900 के बीच में। इसमें मैंने मंगवाई थी अपने लिए एक बेल्ट, ओके, ट्रेंडी सी बेल्ट है, सो लेट सी, जो कि 20 ड्रेसेस से है, ये काफ़ी चल रहा है मिंत्रा पे, तो मैंने सोचा चलो इसी से ऑर्डर करते हैं, ठीक है। सो इसमें निकली है एक बेल्ट, सीधे ये लेदर बेल्ट है। सो ये बेल्ट मैंने ऑर्डर की थी जो कि फ्री साइज़ है, ये फ्री साइज़ बेल्ट है, ये लेदर की है, सो इसीलिए इसका कॉस्ट ज़्यादा है और इसका कॉस्ट कुछ अराउंड 600 के बीच में पड़ी है मुझको ये, जो कि प्रिंट रेट से अगेन वापस से कम है, ठीक है। सो इसका भी प्रिंट रेट से कम रेट रहा है, सो आई एम जस्ट टोटली हैप्पी विद द क्वालिटी। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, देखो। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ बैग्स। सो ये राशि बैग्स के हैं, इसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने मेरे लिए कोई गिफ्ट भी भेजा है, सो आई एम जस्ट गोना चेक इट। तो ये रहा वो बैग रशिड बाय राशि की साइड से, लेट्स ओपन इट अप। पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई है इन लोगों ने, दैट इज रियली गुड थिंग। लेट मी चेक इट आउट, इनका टैग लगा हुआ है यहाँ पर, एंड लेट सी, ओके, एंड सी दिस, आप इससे भी इसको हैंग कर सकते हैं और ये तो है ही हमारे साथ, ठीक है। सो इट्स टोटली अ रियली ग्रेट प्रोडक्ट बाय हर। सो इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, यू कैन गो एंड शॉप फ्रॉम देयर। बहुत ही वैरायटी ऑफ बैग्स है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनके बैग्स की, सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, ओके। ओके, सो गिफ्ट में उन्होंने दिए हैं वो रबर बैंड है और यहाँ पर पिंस है, सो इट्स जस्ट रियली क्यूट। ये ज्वेलरी है जो कि ट्रेंडी ज्वेल से आई है, एंड दिस इज द ज्वेलरी विच आई रिसीव, ट्रेंडी ज्वेल, जो कि आप नीचे देख सकते हो, ट्रेंडी ज्वेल करके इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, जो कि मैंने ऑर्डर किया था अपने मम्मा के लिए, ये इयररिंग्स, ओके, सी, एंड ये झुमकीज हैं, ब्लैक कलर झुमकीज हैं, ये मेरे लिए हैं, ओके। सो इट इज लुकिंग रियली ब्यूटिफुल, नहीं, सो ये भी बहुत ब्यूटिफुल है, सो आई एम जस्ट टोटली हैप्पी विद द कलेक्शन ऑफ ट्रेंडी ज्वेल ऑल्सो। जैसा प्रोडक्ट था, जैसा दिखने में था फोटोज में, वैसा ही डिलीवर हुआ है, सो आई एम जस्ट टोटली लाइकिंग इट। 1 hour later, सो अभी आपने जितना देखा वो ऑलमोस्ट 60% है मेरी शॉपिंग का, ठीक है, 60% मैंने दिखा दिया, लेकिन 40% जो है ना वो अंदर सामान एकदम बंद करके रखा हुआ है और वो मैं निकालने की हिम्मत अभी नहीं कर सकती, क्योंकि ये टाइम होता जा रहा है और वैशाली का कॉल आया जा रहा है मुझे बार बार कि कहाँ रह गई, जल्दी आओ, क्योंकि उसको आगे भी किसी काम से जाना है। सो मैंने सोचा कि चलो भाई उसको लेट नहीं करवाते हैं और हम जल्दी से भागते हैं, ठीक है। अभी मेरे को टी शर्ट भी चेंज करनी है, क्योंकि मैं नॉर्मल टी शर्ट पजामाज में बैठी हुई थी, ठीक है। सो अभी मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी और चेंज करके मैं भागती हूँ उसके पास और देखते हैं हम आगे और क्या क्या लेने वाले हैं। A few moments later. तो यार मैं निकल चुकी हूँ अभी अपने घर से, थोड़ी देरी हुई है मुझे निकले हुए और वैशाली का फोन पे फोन आ रहा है लगातार, क्योंकि वो मुझ पे गुस्सा होने वाली है, आज बरसने वाली है वो मेरे पे, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ लेट।
ये मेरे को इतनी देर से फोन कर रही है और मैं फोन नहीं उठा पा रही थी क्योंकि मैं थी रस्ते में, ठीक है। मैंने इसको अभी मैंने सब लोगों को बताया कि मैं हूँ रस्ते में और मेरे को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है और अभी हम लोग आ गए और हम लोग अभी देखते हैं बाहर की चहल पहल। आप देख रहे हो हमारे पीछे कितनी हो रही है। अभी के लिए हम लोग चलते हैं पहले सजावट का सामान लेने। वैशाली तुम्हारे काम की चीज़ मिली मुझको, वो देखो तुम्हारे काम की चीज़ मिली मुझको, वो ले लेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग इसी को बनाएंगे, इसी को प्लान के नेक्स्ट व्लॉग बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो चलते हैं देखते हैं क्या क्या लेना है हमें अभी। और यार हम लोग मार्केट में तो आ गए हैं, अभी देखते हैं। कीचड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। वाली मुझे बहुत पसंद आ रही है ये वाला डिज़ाइन, देखो आप लोग इसमें कलर कॉम्बिनेशन। ये वो वाली है ना बल्ब वाली, है ना, ये वाली भी सुंदर लग रही है वैसे तो। और ये देखो ये वाली देखो LED कैंडल्स हैं यार, ये कितनी प्यारी लग रही है ना, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है। ये कितने की है, ये 100 रुपये की है यार, सही है रेट तो। वो सारा वॉल पे सजाने का सामान है, है ना। और ये लड़ियाँ हैं, बल्ब वगैरह हैं, ये लोग ये चीज़ें लोग कह रही हूँ मैं भी, देखना ज़रा। चल तो हम लोगों ने फाइनल की है, थोड़े 19-20 चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिए भी लेने, यार दिए बड़ा दिया चाहिए मेरे को, एक बड़ा वाला। अभी दिए देख रहे हैं और दिए में ना मुझे सबसे बड़ा वाला साइज चाहिए क्योंकि ना हमारे पूरी रात जगता है ये दिया। ये वाला थोड़ा रात के अकॉर्डिंग ना छोटा है ना, पूरी रात नहीं जग पाएगा इसमें, है ना। ये वाला मेरे को भी सुंदर लगा, ये वाला बड़ा है तो चलो ये वाला कर लेते हैं हम एक, ठीक है। और ये है टी लाइट कैंडल्स, टी लाइट। अच्छा ये छोटी वाली होंगी, 50 पीस होंगे इसमें, है ना। और ये कितने की है, ये है 160 की, ठीक है। एक ये ले लेते हैं ना, काम आ जाइए भी घर में जगाने के। हमने दिए तो ले लिए, अब हम मालाओं में कंफ्यूज हैं। ये देखो ये भी कितनी सुंदर सी लग रही है। एक मेरे को ये वाला शेड भी पसंद आ रहा है, देखो। वो तो फिर वो होता है ना थीम बेस्ड होता है ना, अगर हम लोग ब्लू और उसके साथ रखते तो फिर, है ना। अभी के लिए मैं सोच रही हूँ कोई मिक्स कलर ले लूँ और मेरा मन आ रहा है इस पर। सो ये मैं एंट्रेंस पे लगाने वाली हूँ और अभी देखते हैं हम लोग और क्या क्या लेने वाले हैं। हम लोगों ने लड़ियाँ भी देख कर रखी हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि हमें और क्या क्या देखना है। अभी हमारा सामान हो चुका है पैक। लोगों ने तो अपने घर तक सजा लिए हैं इतने दिन पहले से ही, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि दिवाली की तैयारियाँ कितने दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। इसकी शॉपिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पता नहीं कब जाके ख़त्म होगी। थकती भी नहीं है, इतना घूमती है पूरा दिन। मीनवाइल गोलगप्पे के बिना हमारा बाहर आना बिल्कुल अधूरा रह जाता है, तो हमारा फेवरेट काम होने वाला है। तो हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे हैं, ठीक है। भैया तीखे पानी में लगाना है ना, सौंठ नहीं लगानी ना हमको, सौंठ नहीं लगानी, भूखी एक नंबर की। भैया पानी देना, गोलगप्पे का पानी ना पियाओ ना तो कुछ नहीं किया। तो अभी हमारी हो चुकी है शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट, जो कि है घर के सजावट के सामानों की। और ऐसा लगने लगा है अब तो कि भाई दिवाली निकल जाए ना तो उसके बाद सब बेचने लगा देंगे हम लोग, ठीक है ना, बेचने के लिए दे देंगे सबको, ठीक है। तो यार अभी पता है क्या हुआ, मैं और वैशाली जा रहे थे जैसे आपने देखा और हमें बीच में मिल गई और हमसे पूछ रही है कि हम सेम कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोगों ने सेम, देखो कोइंसिडेंस हुआ हम दोनों का कि हम लोगों के कपड़े सेम निकला है। तो राह चलते हमें एक और पागल मिल गया है, ठीक है। सो अभी हमें दूर से आवाज़ मार दी, अरे कहाँ जा रही हो कहाँ जा रही हो, ऐसे बुला रही थी हमें। तो पता ही नहीं शॉपिंग करने गए हैं यार। हाँ तो इसे तो पता ही इसे बताया नहीं, इसे बताया ही नहीं था हमने, ठीक है। और अभी हम इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं क्योंकि हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है। बाकी अभी हम देखते हैं कि हमारा और कब चक्कर लगता है बाहर जाने का, तो हम लोग आपके साथ जरूर अपडेटेड रहेंगे। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द बलियारे।